देश में लोकसभा चुनाव का उद्घोष हो चुका है, वहीं सोनीपत के नारा में एक महापंचायत हो रही है। लगातार प्रदेश की बात करें, हरियाणा में जेजेपी के नेताओं का और बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है। हमारे साथ किसान नेता सुरेश कोत है। सर, लोकसभा चुनाव का उद्घोष हो चुका है और आज सोनीपत में किसानों की महापंचायत है। पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में हैं। जेजेपी और इनेलो भी ऐलान कर चुकी है मैदान में उतरने का, पर बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध क्यों? देखिए, विरोध सत्ता का होता है भाई, कुर्सी का होता है। इन्होंने जो पिछले 10 सालों में जनता के साथ वादे किए, जनता में उसका विरोध है। हम जो संयुक्त मोर्चा के लोग विरोध कर रहे हैं, हमने सवालों की लिस्ट बना रखी। 3 हमारे केंद्रीय सवाल हैं। एक है कि एमएसपी की खरीद की गारंटी मांगना क्या हमारा अधिकार नहीं है? किसान और मजदूर को कर्जा मुक्ति की मांग करना क्या हमारा गुनाह है? 16 लाख रुपए उद्योगपति के माफ कर दिए जाते, किसान और मजदूर के नहीं। अजय मिश्रा टैनी, जो इस देश के किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, 1 हफ्ते पहले उसने घोषणा करी कि या तो सुधर जाओ वरना मैं देख लूंगा, उसके लड़के ने 1 हफ्ते बाद 4 किसानों को गाड़ी के नीचे रोंद के मार दिया। उसको बीजेपी दोबारा टिकट दे रही है। बीजेपी का विरोध जेजेपी का क्यों? जेजेपी से गठबंधन में अलग हो चुके हैं। ये सारे काम करने वाला, एक तरह कहानी बताऊं, किसी का विवाद हो गया गांव में, एक ओक्का कहने लगे ओक्का भर लिया इसके, बोला भाई इसके तो बिगड़ रही है, और बोला परलग ने भर लिया, बोला परलन तो बिगड़वाई थी। जितने किसानों का लाठी लग गई, मजदूरों का लाठी लग गई, सरपंच पिटे, आंगनवाड़ी महिलाएं पिटी, मनरेगा मजदूर पिटिया, आपका जितना सारा वर्ग कर्मचारी पिटे, ये सारा पिटवाणिया तो दूषण था। जनता ने तो बीजेपी हरा दी थी हरियाणा में। उनकी माता तो कहती है कि दुष्यंत की चलती नहीं थी इतनी। अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि उन्होंने हमारा फायदा उठा लिया। अब बेरा पटिया, एक बात बताऊं मैं, उनका फायदा उठा लिया करा ना उठा लिया, मेरे को एक बात बताओ, कोरोना के अंदर 2 नंबर में शराब किसने बेची पता है? भूमि जो 150-200 रुपये हर धान की मंडियों में, धान का नमी के नाम पर जो काटा काटा, वो किसकी जेब में गया? मलाई खाल खतर बैठा था। और किसान मरो, मजदूर मरो, हम वैसे तो जेजेपी बीजेपी के लोगों से हम सवाल पूछ रहे, हमारा संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम सिर्फ सवाल पूछना, हम विरोध नहीं कर रहे। विरोध उनका वो गांव से वापिस क्यों कर देते हो? विरोध उनका वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने उसका वोट दिए थे और जो ठगिया महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो उनसे कर रहे हैं। अब नाड़ा गांव में विरोध हुआ, नाड़ा गांव में एक जमाने में भगत होता था देवीलाल का, कुंगड़ गांव में विरोध हुआ, कुंगड़ गांव में विपक्ष का वोट ही नहीं होता था देवीलाल के पगड़ी बदल, डब्बावाड़ी में विरोध हुआ, डब्बावाड़ी तो उनका खुद का घर था। जहां इनका जो खुद का वोटर था सबसे ज्यादा दुखी वही हुआ है। ये जो इनके साथ इस तरह की घटना रही है, जनता अपने आप कर रही है, संयुक्त मोर्चा का मेन्यू के हिसाब से नहीं। संयुक्त मोर्चा सिर्फ सवाल पूछता है, अगर सवाल का जवाब नहीं देते तो हम नारे लगाते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, यहीं तक सीमा। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर ओम प्रकाश चौटाला दोबारा बुलाए तो हम जाने को तैयार हैं। ओम प्रकाश चौटाला आईसीयू में है, पहला उसकी राजी खुशी से पूछा, 1 हफ्ता हो गया ओम प्रकाश चौटाला मैदान था आईसीयू में, सारा हरियाणा में मेरा है और उसने आज भी राजनीति भावे है, बाकी ले उनका घर का मामला वो जाने। मेरा पहले तो कह दिया कि गद्दार है, गद्दारों को कोई जगह नहीं है, वो अबे जाने वो जाने, हम तो नहीं जाना। हाँ भाई, दुष्यंत ने किसानों को गद्दारी करी, अब घर उनकी के बात हुई वह जाने, किसानों का गद्दार पक्का है। अगर परिवार एक होता है तो किसान नहीं इसको दे, वो खुद भी मर जाएगा। आज अभय सिंह चौटाला की किसान न्यू इज्जत कराए कि किसान आंदोलन के दौरान उसने इस्तीफा दिया, सिंगू बॉर्डर पे उसने हॉस्पिटल चलाया, टिकरी बॉर्डर पे हॉस्पिटल चलाया, पूरा हरियाणा का किसान उनको बेसिक वोट देना ना देना अलग बात है, बिल्कुल सम्मान की दृष्टि से देखता है। अगर दुष्यंत चौटाला गलत समझौता करेगा तो उसको भी नहीं मानेंगे, तो चाल थी इनकी। अभय सिंह चौटाला तो कह रहा कि राजनीति से तो खत्म हो गया, सामाजिक ताने बाने से भी दूर हो चुका। अब यही बात है, अगर वो उसने लेगा वो फिर वो भी गर्त में जाओगा।
क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने वो घटना कर दी हरियाणा किसान आंदोलन, जो हरियाणा का किसान देवीलाल परिवार से वो नहीं करता था कि ये ऐसा भी कर देगा, अजम नहीं कर पा रहा किसान। क्योंकि एक बात बताऊं मैं, अब की बार किसानों का क्या रुख है, किस पार्टी की तरफ है? जो बीजेपी को रहेगा। कौन रहेगा बीजेपी को? इंडिया गठबंधन है, एनडीए है। हाँ, ये सुनिए एक मिनट, पूरा हरियाणा का ही नहीं पूरे देश के लिए संयुक्त मोर्चा ने फैसला लेना था, जैसे पंजाब का सिचुएशन है। पंजाब में इंडिया गठबंधन आमने सामने भी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने भी है, कुरुक्षेत्र सीट भी अपने उसमें आती है, अभय सिंह चौटाला भी खड़ा है आम आदमी पार्टी वाला। 9 सीट तो हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं ना, 9 सीटों में तो सबको पता है कौन मुकाबला में। इसलिए जहां भी जो बीजेपी को हराने में सक्षम होगा संयुक्त मोर्चा उसी की मदद करेगा, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन से बाहर का भी कोई नेता हो, जो बीजेपी को हराएगा उसी की सपोर्ट करेगा। इसमें लगता नहीं जिस तरह से विरोध होता है या बहिष्कार करते हैं कि जाट समुदाय के लोग हैं बस? नहीं, एक बात बताऊं मैं, अपना अरविंद शर्मा का विरोध हुआ है कोसली हल्के में, जाके पता करिए, जाट एक भी नहीं मिला आपने, वो कौन थे? ये जातियों में बांधना बीजेपी वाले हो, ये बीजेपी वाले सोचते हैं। किसान का विरोध है मेरे भाई, विरोध भी सिर्फ सवाल पूछना है। हम तो सिर्फ यू पूछा, हम जब दिल्ली जावा में लाठियां क्यों मारते हैं, गोलियां क्यों चलाते हो? वो कहते हैं प्रजातांत्रिक अधिकार है हमारा प्रचार करना, हमारा भी तो आवाज उठाना प्रजातांत्रिक अधिकार है। दिल्ली हमारी राजधानी नहीं है क्या? चंडीगढ़ हमारी राजधानी नहीं है क्या? हम तो सिर्फ सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, हम सिर्फ यही पूछ रहे हैं, सरपंच चंडीगढ़ गए उनको लाठियां क्यों मारी, मजदूर चंडीगढ़ जा रहे थे उनको लाठियां क्यों मारी? विरोध जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा, विरोध नहीं सवाल पूछना जारी रहेगा। सवाल पूछने का तरीका भी तो जबरदस्त आप लोगों का, नहीं वो से बाहर कर देते हो नेता को आप? हाँ, क्या 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 बोले? नेता को गांव से बाहर कर देते हो? नहीं, हम नहीं करते, वो आम जनता कर रही है, वो आम जनता कर रही है, क्योंकि आम जनता इनसे दुखी इतनी है। ये विरोध किस चीज का जारी रहेगा? बीजेपी और जेजेपी, बीजेपी और जेजेपी का सवाल पूछना। हम रोड पे नहीं रोकते किसी को, हम किसी की सभा डिस्टर्ब नहीं करते, हम अपना संयुक्त मोर्चे द्वारा लिखी गई मांग प्रजातांत्रिक तरीके से लेकर के जाते हैं। अगर वो सवाल जवाब देता है ठीक है, नहीं अपने नारे लगाते हैं वहाँ, किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। बस देखिए, हमारे साथ सुरेश कोत थे किसान नेता, इन्होंने कहा है कि जेजेपी और बीजेपी का विरोध लगातार जारी रहेगा और हम दोनों पार्टियों के नेताओं से सवाल पूछते हैं, और अब की बार वोट किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि उसको देंगे जो बीजेपी के खिलाफ जीतेगा और मैदान में टक्कर लेगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।